कमाल। ए ओए सुनो, वो हरभजन सिंह कहाँ है? वही जिसका लगेज उठा के आप आए थे, सलूट कर रहे थे जलंधर स्टेशन पे उतर के। आप बाबा जी की बात कर रहे हो क्या? बाबा जी 22-23 साल का लड़का था, इसके जितना होगा। हाँ पर बातें तो बाबा जी वाली कर रहा था। मैडम जी वो 22-23 साल के थे तब निकल लिए। हाँ आप किसी और से बात कर रही होंगी। क्या क्या कह रहे हो? ये देखो मेरी टिकट, सामने बैठा था बर्थ पे, मैंने उसका बैज भी पढ़ा है, ऐसे ही बैज था तुम जैसा, हरभजन सिंह लिखा था उस पे। क्या बात है सर जी, सब ठीक तो है? आप इनकी बात कर रही थी? हाँ यही तो है हरभजन, अच्छी खासी बातें कर रहा था मेरे साथ ये, और आप कह रहे हो निकलिए, कोई बात है? कमाल है ऐसे। आप लोगों की गलती नहीं है, इंडिया के लोगों को ना एक्टरों और क्रिकेटरों के अलावा किसी और की स्टोरियां नहीं पता होती। कोई बात नहीं, जाइए घर जाइए। और हाँ ढूंढ लीजिएगा इंटरनेट इंटरनेट पे। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक सच्चे सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ और उनकी मृत्यु सिक्किम के नथुला पास में 4 अक्टूबर 1968 में हुई। जब वो 3 दिनों तक लापता रहे, उनके अफसरों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। सर्च पार्टी को हरभजन सिंह की बॉडी ठीक उसी जगह मिली। ये तो हरभजन सिंह के मृत्यु के बाद के घटनाओं की बस शुरुआत थी। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपनों में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते उनको एक जोर का चाटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चाटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनकी तनख्वाह हर महीने उनके माता पिता को भेजती। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया जहां आज भी भक्त दर्शन लेने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। हरभजन सिंह जो सिपॉय रैंक में रहते हुए शहीद हुए, उन्हें आर्मी प्रमोट किए जा रही थी। हरभजन सिंह की लीव हर साल सैंक्शन होती और हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गांव कपूरथला ले जाते। उस दौरान उनका कैंप हाई अलर्ट पर रहता। कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। समझौतों के वक्त हिंदुस्तानी क्या चीनी भी उनके लिए एक कुर्सी खाली रखते थे। वो बतौर कैप्टन दिसंबर 2006 में रिटायर हुए। बाबा हरभजन सिंह को वतन का सलाम।